तुम चाहे कितना भी पढ़ा लो वे नहीं पढ़ेंगे, तुम चाहे कितना भी समझा लो वो नहीं समझेगा, तुम चाहे कितना भी मार लो मैं नहीं बताऊंगा। सो गाइज, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमें रोज़ लाइफ में बोलने होते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को आज हम इंग्लिश में सीखेंगे। इस प्रकार के सेंटेंसेस में एक फ्रेज कॉमन है, वो है चाहे कितना भी, चाहे कितना भी। इसके लिए इंग्लिश में फ्रेज होती है नो मैटर हाउ मच, नो मैटर हाउ मच। चलिए इसका कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा नो मैटर हाउ मच, इसके बाद कॉम्प्लीट सेंटेंस जो आप बोलना चाहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझते हैं। तुम चाहे कितना भी मार लो मैं नहीं बताऊंगा। नो मैटर हाउ मच यू बीट आई विल नॉट टेल, नो मैटर हाउ मच यू बीट आई विल नॉट टेल। तुम चाहे कितना भी समझा लो वो नहीं समझेगा। नो मैटर हाउ मच यू एक्सप्लेन ही विल नॉट अंडरस्टैंड, नो मैटर हाउ मच यू एक्सप्लेन ही विल नॉट अंडरस्टैंड। चाहे मैं कितना भी एक्सरसाइज कर लूँ मैं अपना वजन कम नहीं कर पा रहा हूँ। नो मैटर हाउ मच आई टेक एक्सरसाइज आई एम नॉट एबल टू लूज माई वेट, नो मैटर हाउ मच आई टेक एक्सरसाइज आई एम नॉट एबल टू लूज माई वेट। तुम चाहे कितना भी पढ़ा लो वे नहीं पढ़ेंगे। नो मैटर हाउ मच यू टीच दे विल नॉट रीड, नो मैटर हाउ मच यू टीच दे विल नॉट रीड। तुम चाहे कितना भी बोलो वो नहीं सुनेगा। नो मैटर हाउ मच यू स्पीक ही विल नॉट लिसन, नो मैटर हाउ मच यू स्पीक ही विल नॉट लिसन।